दोस्तों, यह वीडियो राजस्थान सामान्य ज्ञान का पार्ट थर्ड है, तीसरा पार्ट, और इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। 61वां प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल है। राजकीय खेल क्या है राजस्थान का? तो राजकीय जो खेल है राजस्थान का वो है बास्केटबॉल। और राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो है घूमर। और राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है घोड़ावन। और राष्ट्रीय पशु जो है वो ऊँट है और चिंकारा दोनों हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। 63वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो कांचनगिरी के नाम से जालोर दुर्ग जाना जाता है। आगे 64वां प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। 65वां प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद राज। उसके बाद 67वां प्रश्न, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और उसी के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। 67वां प्रश्न है, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ हरिजन की स्थापना 1941 में की गई। 68वां प्रश्न, मेव जाति के से संबंध वाले संत हैं? तो मेव जाति से जो संत संबंधित थे वो थे लाल दास जी। लाल दास जी संत मेव जाति से संबंधित थे। 69वां प्रश्न है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। 70वां प्रश्न, मावट क्या है? तो मावट शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षाएं। 71वां प्रश्न, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध चारुमती से विवाह किया था। 72वां प्रश्न, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? तो महामारू शैली का प्रचलन गुज्जर प्रतिहार के शासन काल में हुआ था। 73वां प्रश्न, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है तारागढ़। ये मध्य अरावली क्षेत्र के अंदर आती है। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो होगी गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। उसके बाद 74वां प्रश्न, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना की गोविंद गुरु ने। 75वां प्रश्न, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। 76वां प्रश्न है, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर के नाम से संबोधित करती थी? तो गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर के नाम से संबोधित करती थी। 77वां प्रश्न है, बेराट राजस्थान के किस जिले में है? तो बेराट हम जानते हैं जयपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न है, 78वां, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। और ये आता है हमारे पास, बिसलपुर बांध जो है वो अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। उसके बाद 69वां प्रश्न है, 79वां प्रश्न, बीकानेर की स्थापना किसने की? तो बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1465 में की थी। और जो जोधपुर राज्य है तो उसकी स्थापना 1459 में की गई थी राव जोधा के द्वारा। और इसी के 100 वर्ष बाद 1559 में उदयपुर राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद 80वां प्रश्न है, बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेरी प्रिंट को अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। 81वां प्रश्न, बदायूनों के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था गोगुंदा में।
और गोगुंद आता है उदयपुर में। उसके बाद 82वां प्रश्न, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, 16 वर्ष 13 दिन, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। 83वां प्रश्न, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पेजन जो नृत्य है वो बागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। उसके बाद 84वां प्रश्न, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी बनास नदी है। अगर पूर्णतः राजस्थान नहीं हो तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी होगी। उसके बाद 85वां प्रश्न, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तो बादला बनाए जाते हैं जोधपुर में। उसके बाद 86वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली सम वर्षा रेखा है? तो वो है 50 सेंटीमीटर। 87वां प्रश्न है, पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। 88वां प्रश्न, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि है? तो जैसलमेर के जो राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो कृषि होती है वो होती है खड़ीन द्वारा। उसके बाद 89वां प्रश्न, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो नैनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद 90वां और अंतिम क्वेश्चन, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का 3रा स्थान है और सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान का भाग 3 था, जिसके अंदर हमने 60 से लगाकर 90 तक 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगर आपको हमारे चैनल के और भी भाग अगर देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित और भाग देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।